तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वीवीए प्रोग्रामिंग का हमारा सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे सिलेक्शन। देखिए क्या है कि जब तक आप डेटा को सिलेक्ट ना करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। सो सिलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट। तो ये सिलेक्शन करेंगे तभी आप क्या बोलते हैं पिवट लगा पाएंगे आप, तभी आप इसमें कंडीशन लगा पाएंगे, चार्ट्स लगा पाएंगे। कुछ भी करने के लिए आपको जरूरत है किसकी? सिलेक्शन। तो चलिए सिलेक्शन सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको ऑटो सेलेक्ट करना है, तो यहां लिख सकते हैं कंट्रोल यहां रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ये क्या होगा? कंट्रोल यहां पे कंट्रोल A होगा और सिलेक्ट हो जाएगा। पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट करनी है तो आप यहां लिखेंगे सेल्स डॉट यहां पे सेल्स डॉट सेलेक्ट, तो पूरी सेल्स को सिलेक्ट कर देगा, मैं पूरी सीट सिलेक्ट कर देगा। लेकिन मुझे एक एरिया सिलेक्ट करना है कि A1 से लेके J22। यहां लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि एक्सेल का जो फीचर होता है कि यहां पे लिखेंगे कि A1 से लेके J22 डॉट सेलेक्ट। या दूसरा तरीका है रेंज यहां पे A1 J22 डॉट सेलेक्ट। ठीक है सर, ये हमारा VVA का मेथड है। तो डायनेमिक करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा एक्सेल का मेथड है। अब इसमें एक मिनट म्यूट कर लीजिए सर, बैकग्राउंड शोर आ रहा है सुधीर जी। अब यहां पे आता है ऑटो सिलेक्शन। ऑटो सिलेक्शन से पहले हम बात करेंगे। ऑटो सिलेक्शन हमने यहां पे कर ही रखा है ना, करेंट रीजन सिलेक्ट कंट्रोल ए कर देता है, पूरा सिलेक्ट कर देता है। लेकिन बात आती है कर्सर को मूव करने की। कर्सर को मूव कैसे करें इस तरह से? तो मुझे यहां है सबसे नीचे जाना है, सबसे लास्ट में जाना है। तो यहां आप लिखेंगे रेंज A1 डॉट एंड एक्सेलेस डाउन डॉट सेलेक्ट, सबसे नीचे आ जाएगा। डाउन की जगह पे अगर राइट चाहिए लेफ्ट चाहिए तो यहां आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां से वो उसी हिसाब से नीचे आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसमें अगर बीच में ब्लैंक हुआ, अगर बीच में ब्लैंक है तो आपका कर्सर यहीं पे आके रुक जाएगा। पर मैं लास्ट में पहुंचू कैसे? पर तो उसके लिए यहां पे लिखना होगा रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू डॉट सेलेक्ट, माफ कीजिएगा ऑफसेट नहीं, ऑफसेट पे बाद में बात करता हूं, डॉट सेलेक्ट। फिर क्या होगा कि ये जाएगा सबसे पहले 65000 रो पे, फिर कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करके ऊपर आएगा और यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मुझे इसकी अगली ब्लैंक सेल में चाहिए तो इसके लिए हम ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऑफसेट यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है सर, ऑफसेट 1.0 डॉट सेलेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन के साथ बढ़ू, मतलब कि मैं डायरेक्ट यहां नहीं, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ करना चाहता हूं। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो करके नीचे आना चाहता हूं। तो क्या होगा, यहां लिखेंगे रेंज, स्टार्टिंग पोजीशन हमारा पता है A1 है, एंडिंग पोजीशंस के लिए हम यहां पे एक और कोड डाल देंगे। अब यहां पे दो कोड को मिक्स कर रहे हैं, A1 डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट। एक बार इसको रन करके दिखाता हूं, और मुझे राइट और लेफ्ट की सी कंफ्यूजन होती है सर। मैं यहां से इस येलो कर्सर को उठा के नीचे रख देता हूं तो सिर्फ एक ही लाइन रन होगा, सिलेक्शन हो गया। अब मुझे इसी सिलेक्शन को नीचे लेके आना है, तो रेंज
सिलेक्शन के स्टार्टिंग पोजीशन सिलेक्शन है और यहाँ सिलेक्शन से एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। तो अब इसको यहाँ हम लेके चलते हैं, अब मैं इसके इफेक्ट करता हूँ तो कहीं पे दिक्कत है, स्पेलिंग मिस्टेक। सेलेक्ट हो गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि मान लीजिए यहां ब्लैंक है और यहां ब्लैंक, तब क्या होगा, तब आपका ये जो कोड है ये कोड इतना ही डेटा को सिलेक्ट करेगा। तो जब ब्लैंक हो तब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, यहां पे देंगे सबसे पहले दो वेरिएबल, एक लेंगे आर, एक कोई कॉलन लेंगे जिसमें नीचे डेटा हमारा रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो नंबर, इसकी रो नंबर आर पे स्टोर हो जाएगा। देन सी इक्वल टू क्या देंगे, रेंज एक्स एफ डी वन, इन्वर्टर को मान देना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, डॉट एंड एक्सेलेस टू लेफ्ट डॉट कॉल। तब क्या होगा कि आर के ऊपर सबसे लास्ट रो जो 22 है ना, ये स्टोर हो जाएगा और सी के ऊपर सबसे लास्ट वाला कॉलम देखिए 10 और 22। अब मुझे स्टार्टिंग पता है कि A1 है और लास्ट का कॉलम एंड लास्ट का रो हमारे पास है, तो क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने A1 तो लिख दिया स्टार्टिंग पोजीशन, अब एंडिंग पोजीशन में मैं यहाँ पे 22 और सी तो नहीं लिख सकता ना, यहाँ पे हम लेंगे सेल, क्योंकि जब आपके पास, मैंने कल बताया था आपको कि जब आपके पास नंबर्स में रो एंड कॉलम हो तो उसके लिए हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, सेल्स आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट। अब आपका डेटा कितना भी ब्लैंक स्लैंक क्यों ना हो उसको सिलेक्ट कर ले, ठीक है सुधीर जी, सर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी याद है। अब बात करते हैं इसमें हम, ये तो हमने सिलेक्शन कर लिया, अब डेटा फीड कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे रेंज A1 पे कुछ वैल्यू देना है, तो रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आप नंबर दे दीजिए या कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दे दीजिए, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज यहाँ पे A1 हमने लिया, अब डॉट वैल्यू की जगह पे हम डॉट फॉर्मूला कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर रेंज सेम है दोनों A1, इसे कुछ भी ना डाले इक्वल टू मार्क्स कर दो। तो किसी सेल पे आप वैल्यू डाल रहे हो तो आप वैल्यू में डाले, फॉर्मूला में डाले या डायरेक्ट कुछ भी डाल दे, डिफॉल्ट डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी सेल का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमने 20+60 किया हुआ है, 30 किया हुआ है, एक फॉर्मूला लगा के रिजल्ट आया 82, तो मैं यहाँ पे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज D1 डॉट वैल्यू कर दिया, तो अब यहां पे रन करने पे क्या होगा, 82 डालेगा क्योंकि वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें, अब इसमें फॉर्मूला हो, यहां जो ये रिसीवर है उसमें फॉर्मूला हो वैल्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें वैल्यू है तो वैल्यू आएगा, अगर आपने इसमें डॉट फॉर्मूला कर दिया तो फॉर्मूला है, ओके। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि मुझे सीट 1 के A1 पे वैल्यू डालनी है,
तो दो तरीके हैं, आप जाएंगे शीट्स शीट वन डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट वन, माफ कीजिएगा वहाँ गलत हो गया, डॉट सेलेक्ट होगा सेलेक्ट, और फिर रेंज ए वन डॉट वैल्यू और यहाँ पे अपनी वैल्यू डालें। पर मान लीजिए कोई फाइल है बुक वन है तो बुक वन को ओपन है, अगर ओपन नहीं है तो ओपन ही करना पड़ेगा, ओपनिंग कोड डालना पड़ेगा वर्क बुक्स और यहाँ पे फाइल का नेम बुक वन टू थ्री जो भी है एक्सलेस एक्स एम जो भी है डॉट एक्टिवेट। अगर वर्कबुक ओपन है तो वैल्यू डालने का एक और आसान तरीका है, अब डायरेक्ट एक ही साथ लिख सकते हो कि वर्क बुक्स इसमें हमारा बुक वन डॉट एक्सलेस एक्स जो भी एक्सटेंशन है डॉट वर्क उसी यहाँ पे सॉरी शीट्स शीट्स और शीट्स में जो भी है आपका डेटा वगैरह आप दे दीजिए डेटा वन डेटा टू जो भी शीट्स है आपके पास डॉट रेंज ए वन बी वन सी वन जो भी है दे दीजिए डॉट वैल्यू इक्वल टू डायरेक्टिव। ओके क्लियर सर डाउट इसमें, प्रैक्टिस तो आपको खुद से करना होगा। आपको मैं एक पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ, एक वर्ड फाइल भेज रहा हूँ जिसमें 100 ऑफ वीवीए प्रोग्राम का सैंपल है, ठीक है ना। क्या ईमेल आईडी है सर आपकी? SUD हाँ जी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है सर, बाकी फॉरवर्ड कर दीजिए बाकी सबको। तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए सर, ठीक है ना सर, क्योंकि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आगे और पढ़ाता आपको, पर रेंज